नहीं अब ऑयल नहीं चाहिए मेरे सिर में, बहुत ज्यादा ऑयल। अरे सिर सही करना है ऐसे भाई, सिर सही करना है, सिर दुकाना नहीं है। अरे टूटू आपको नहीं चढ़ना। अरे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और भाई कल डिम्पी की तबीयत खराब थी, तो आज हम डिम्पी से जानेंगे इसकी तबीयत कैसी है। हाय डिम्पी। हाय गाइस, कैसी है तबीयत? पहले से ठीक है गाइस, बट एनर्जी तो लो है। थोड़ी सी खिचड़ी खाई, भूख लगती है तो पेट खिंचता है अंदर से। हाय डिगरा। हाय डिगरा। हाय डिगरा, ठीक हो अब? मान जाओ इसके नहीं। सॉरी सॉरी, मार दूंगा मैं। बेटा कह रहा मार दूंगा मैं आपको, प्यार भी नहीं करूंगा मैं। प्यार भी नहीं करूंगा आपको मैं, अब से कभी भी नहीं करूंगा। हैं? कभी भी नहीं। हैं? अभी करेगा देखना, अभी करेगा देखना। ये मस्त है। गोल धूप से आंखें नहीं खुल रही ना? हाँ आंखें नहीं खुल रही, मेरी भी नहीं खुल रही। हाँ बेटा ठीक लग रहा? हाँ ठीक, तो क्या एनर्जी नहीं ऐसा लग रहा। हाँ चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, शरीर में जान नहीं है, भूख लगती है गाइस थोड़ी थोड़ी देर में। डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया नारियल पानी से, तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उसके बाद में तो। ओके ठीक करो बेटी पे, वो ट्रेन भी जा रही है और वो हेलीकॉप्टर जा रहा है पहाड़ी के ऊपर। ये देखो हेलीकॉप्टर भी जा रहा है और वहाँ सामने ट्रेन भी जा रही है, क्या शानदार नज़ारा है भाई। ये हेलीकॉप्टर आए दिन इधर उड़ता रहता है आजकल, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। चलो नहीं ठंड लग जाएगी नहीं। हाँ हाँ थोड़ी देर मुझे पानी पीने दो ना भाई। गाइस डिम्पी हमारे पानी लेके आ गई। हाँ भाई खुद बीमार है लेकिन हमारा बहुत ध्यान रख रही है बंदी। इसका चेहरा देखो उतर गया यार, देखो मेरा चेहरा कैसा हो गया। हाँ बहुत चेहरा उतर गया है। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है डीकरा की। इसको अभी जस्ट डिम्पी ने दवाई दी भाई यहाँ छत पे। उठते तो गाइस इसको मैं डॉक्टर के ले गई है ना, और क्या मेरे जैसे कि जैसे वॉमिट कर रहा था, उठते से इसने शिकायत करी मम्मा मेरे पेट में दर्द है, मैंने कहा अभी दवाई देती हूँ। तो इसने दवाई तो नहीं ली, नीचे गया, मैं भैया चाय पी लो, बोला चाय नहीं पीऊँगा। फिर दवाई दी और वॉमिट हुई, जो वो दवाई सारी निकल गई। उसके बाद एक बार वापस वॉमिट हुई, डॉक्टर के जाना ही पड़ा। अभी एंटीबायोटिक दी है मैंने इसको, मे भी ठीक हो जाए। गाइस इतने सारे कपड़े धोए जो मुझे समेटने। गाइस इसकी तबीयत देखो, कल आईसीयू के अंदर भर्ती थी बंदी, और आज देखो फिर से कपड़े चालू कर दिया इसने। कपड़े धोए अब समेटूंगी। हाँ। मार्केट चलना है, दही लेकर आना है। हाँ भाई इसका खाना बंद है, कल भी इसने केवल लिक्विड लिया जूस वगैरह, और आज तो इसको हल्की सी खिचड़ी खिलाई है। तीन दिन तक डॉक्टर ने बोला भाई रोटी कुछ भी नहीं खाना है, मतलब आपको सिर्फ लिक्विड लेना है। लिक्विड के अंदर जैसे जूस हो गया या फिर नारियल पानी हो गया, और आज इसको हल्की सी खिचड़ी दी, वो भी मूंग की खिचड़ी। दही के लिए भी डॉक्टर ने बोला, तो अभी हम जाएंगे मार्केट, दही लाएंगे और कुछ छोटे मोटे काम है वो भी करके आएंगे। चले फ्रूट्स भी लेकर आते हैं। हाँ लिस्ट की कॉपी, अरे लिस्ट, लिस्ट की कॉपी बना दो। हाँ। लिस्ट की कॉपी बना दो, कॉपी में लिस्ट बना दो, कॉपी में लिस्ट बना दो, होता है कॉपी भी होता है। छोटा बच्चा चलो कह रहा मम्मा बाइक से चलेंगे, फिर हम मंकी कैप लगा। मम्मा आवाज करो। मेरी लगती है देखो दांत गिरा था नीचे का एक, ये आ गया और दूसरा भी आने लग गया। वो भी लग रहा है मुझे, आने लग गया, आने लग गया, वो भी थोड़ा सा निकल गया। तो दो दांत गिरे थे, इसमें से एक आधा आ चुका है और दूसरा वाला हल्का हल्का आना स्टार्ट हो चुका है। हम जा रहे हैं भाई मार्केट, हमको लाने हैं फ्रूट्स और कुछ छोटे मोटे आइटम्स है वो लेने। इसके लिए भाई अभी हम निकले हैं मार्केट। पहले हमारा इरादा था बाइक से जाने का, लेकिन फिर ठंड को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि भाई कार से जाना ठीक रहेगा। तो तू दी मर्जी ये यो या। सो गाइज हम आ चुके हैं भाई मार्केट, और सामने शॉप पर डिम्पी गई है दही लाने के लिए, और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। दही लेके थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर वहाँ से हम
फ्रूट्स लेंगे। भाई मार्केट के जो भी काम थे हमारे छोटे मोटे वो हो गए। मेन तो हमको डिम्पी के लिए दही लेना था, दही ले लिया। उसके साथ साथ मेरे को भी कुछ काम थे वो हो गए। और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। और भाई घर वापस जा रहे तब तक देखो अंधेरा हो चुका है, लाइटें चल चुकी है। देखो सारे लोग घर जा रहे हैं अपने अपने। कल फिर से मार्केट आएंगे, सारे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं ऐसा कह रहा है टुकटुक। वी आर बैक एट होम। कटोरी में ऑयल मैंने ले रखा है और दोनों बच्चे भाई डिम्पी के सिर में ऑयल डाल रहे हैं क्योंकि डिम्पी का सिर दर्द हो रहा है। अरे तो डिम्पी कैसा लग रहा है आपको? मुंह पे लगा रही। पिंचू तो कहीं पे भी लगा रही है, जहाँ मर्जी है। आंखों में डाल, कान पे डाल दिया। अरे कहाँ गया ये रहा कटोरा। पिंचू क्या आंखों में लगा रही पिंचू? अरे बस बस यार, आधी कटोरी तो डाल दी इसने। बस मेरे को अब नहीं। अरे वो एक जगह। अरे रात को इसके सिर में से ऑयल झरेगा डायरेक्ट। झरने बहेंगे। मुझे भी डालने। अरे भाई वो मैं इधर देते, इधर दे, लड़के का काम नहीं करना, इधर देते। कैसे हंस रही हूँ? गाइस इसका जैकेट को देखो, ये पापा काट दिया जैकेट पे, ऑयल ऑयल हो गया भाई। इतना ऑयल डाला इसने जैकेट के ऊपर, ऑयल ऑयल कर दिया। आराम से आराम से आप लोग कर रहे हो वो भी चीज रहेगा। हाँ ये देखो भाई, सिर दबाएगा मेरा, दबा बेटा सिर। एक्चुअली डिम्पी का सिर दर्द हो रहा है तो सब बच्चे लगे हुए भाई, देखो सिर दबा रहे हैं, कोई सिर में ऑयल डाल रहा है। करेंगे नहीं, अब ऑयल नहीं चाहिए मेरे सिर में, बहुत ज्यादा ऑयल। अरे सिर सही करना है ऐसे भाई, सिर सही करना है, सिर दुकाना नहीं है। मयूर प्लीज अब दबाओ टुटू, बस बस आ जाओ दबाओ, हाँ दबाओ सिर के ऊपर, चढ़ जाओ टिंचू का, आप तो कंधे पर चढ़ जाओ, हाँ चढ़ जाओ, चढ़ दबाओ, चलो दबोच दो इसको। अरे टुटू आपको नहीं चढ़ना। अरे नहीं अब झगड़ा होगा मुझे लग रहा है, ऊपर मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। अरे सच में नहीं चढ़ना, ऊपर मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो सिर दबाओ बेटा, सिर दबाओ, अरे यार उसको टिंचू को करने दो, हाँ करो बेटा करो, बाटी बाटी जरूरी है सर। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सब बच्चों ने मिलकर इतनी मालिश करी लेकिन फिर भी इतना रिलीफ नहीं हुआ जितना मुझे रिलीफ चाहिए था। क्या पता नींद से हो रहा है या मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। ठंड भी बहुत लग रही है गाइस, मुझे दो दो तीन तीन ब्लैंकेट ओढ़ कर फिर सोना पड़ रहा है। पूरा हेल्थ मेरा ठीक नहीं हुआ है अभी तक। तो टुक टुक और हम सोएंगे। सो इस व्लॉग को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। ये घर परिवार है और लड़ाई झगड़ा सब में होता है और एक सेकंड में वापिस हम राजी हो जाते हैं और कोई बांधो ना छे, हाँ बीजी बात ना करवाना, छोकरा छोकरी सब माना छे। Deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put 'em on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning.